एक बात तो बताएं यार, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, इतनी इतनी आप लोगों की उम्रें हो गई हैं, आपको अब भी तवक्कु है कि आपकी सिलेक्शन होगी टीम के अंदर? भाई जान, साडी सिर्फ उम्र ही काटे उंज, साडे हड पैर जरा खुले ने। अच्छा, हड पैर ही नहीं खुले? हां पांदे ते कई बारी खुले भी खुले गेंद ये बॉलर दे कोल हुंदे सी ते अपील पहले कर दें, हाउ दैट नाली चो गेंद कड के ले आउन दा पाइन तो अलावा कोई किसे नहीं पता। ये बहुत अच्छी नाली से गेंद निकालते थे इस किस्म से। आपस की बात है कि नाली से गेंद तो मैं भी निकाल लेता था, लेकिन ना वो गंजी गेंद मैं फौरन निकाल लेता था। ये जो सत रफ्ती गेंद जिसके बाल होते थे ना, वो निकालना बड़ा मुश्किल होता था, उसको सुखाना बड़ा मुश्किल। और वैसे भी कामी वो गंजी गेंद जो थी, आपने कभी नाली से गेंद निकाली? सर बचपन में ऐसे ही गली मोहल्ले में खेलते रहे तो यही काम करते हैं। सतरप्टी गेंद से वो ऐसे ही टेनिस बॉल ऐसे ही शुरू होती है। T20 वर्ल्ड कप जो है वो सर पे खड़ा, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस है, कौम को बताइए कि कितनी तवक्कुआत रखे हम अपनी टीम के साथ? टीम हमारी इतनी एबिलिटी है, हमेशा बड़े इवेंट में पाकिस्तान टीम ने अच्छा ही परफॉर्म किया। बिल्कुल, T20 में 7 वर्ल्ड कप हुए हैं, 7 के साथ हम लोगों ने सेमीफाइनल खेले हैं, क्या बात, एक जीते भी हुए हैं, तो इससे अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता। देखें जैसे बाबर लीड कर रहा है बैटिंग को, फिर अब रिजवान नंबर 1 T20 में हो गया है। बिल्कुल, तो यहाँ से अंदाजा लगा ले कि अवेयरनेस आ रही है। बिल्कुल, कि परफॉर्मेंस देंगे तो नंबर 1 आएंगे, टॉप 10 में भी आएंगे। बाबर आजम की कप्तानी से क्या कामरान अकमल मुतमईन है? अब मुतमईन जब बना, उस वक्त मैं नहीं चाहता था कि वो कप्तान बने, अभी वो अगले 2-3 साल खेले, वो मैच्योर हो जाए, फिर टीम तैयार हो तो कैप्टेंसी करे, वो अच्छा होगा। लेकिन अब वो एक्सपीरियंस आ गया। अपने इंट्रो में एक बात की थी कि खानदान का कोई एक बच्चा सही वक्त पे सही ट्रैक पे निकल पड़ा हो तो वो सबके लिए रोल मॉडल बन जाता है, तो बाबर आजम के भी रोल मॉडल आप ही थे? नहीं, मेरे ख्याल से उसकी अपनी मेहनत। नहीं, वो देखे देखे खानदान का पहला बच्चा कौन था? देखिए वो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बना हूँ, मेरे खानदान में कोई भी स्पोर्ट्समैन नहीं है, लेकिन उमर भी आया, अदनान भी आया, ये सब लोग कहते हैं कि मेरी वजह से खेल रहे हैं या मैंने सपोर्ट किया या वो सिफारिश जो आजकल बना हुआ है ऐसे करके अप्रोच के साथ खिलाया, वो भी दोनों अपनी परफॉर्मेंस अपनी मेहनत के साथ। सिफारिश इंसान बाबर भी ऐसे ही खेला अपनी मेहनत, उसको भी उसके वालिद साहब को मेरे चचा को क्रेडिट जाता है, जिन्होंने जैसे मेरे वालिद साहब मुझे लेके जाते रहे हैं फैसलाबाद तक, बाइक पे हम जाते रहे हैं और सुबह उठ के जाते रहे हैं, और खाने को पैसे नहीं होते थे तो ग्राउंड में पैदल चले जाते। बाबर के जो फादर है वो आपके सगे चचा? बिल्कुल, सगे कजन। हाँ जी, देखिए ताली होनी चाहिए। अच्छा ऋषा, ये बताइए कि न्यूज मीडिया छोड़कर आप मॉडलिंग की तरफ चले गई, मुझे लगता है कि आपका अगला पड़ाव जो है वो एक्टिंग है, क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल ठीक है। तो आपको कोई एक्टिंग की ऑफर हुई, किसी डायरेक्टर का ध्यान पड़ा आप पे कि नहीं? ऑफर हुई भी है और मैंने किया भी है रिसेंटली। आपको ऑफर हुई? सांता 7 साल किसी ने कहा ही नहीं पाई आपको, कौन नहीं जानता। नहीं पहले की बात करो, वक्त बहुत अच्छा हो गया है, ऑफर्स आती हैं तब तो बना जी। तो कौन सा प्रोजेक्ट किया आपने अभी रिसेंट? मैंने किया एक शॉर्टकट मूवी, आनी है नवंबर में आएगी, नवंबर या दिसंबर में। किसने डायरेक्ट किए? उसमें अबू अली खान। अच्छा, और आपके साथ फेलो एक्टर्स थे? सना फखर थी, जुगन काजम, नसीम बेकी, मतलब ये फिटेस्ट एक्ट्रेस मेन आर्टिस्ट थे वहां पे। ओके, अच्छा एक्टिंग में किस मीडियम को आप प्रेफर करेंगी, फिल्म या टेलीविजन? दोनों को। अच्छा, मतलब अगर दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़े तो? टेलीविजन। टेलीविजन, कोई इंस्पिरेशन आपकी, कोई एक्टर जिसको देखकर आपको लगा हो कि मुझे ऐसे एक्टिंग करनी चाहिए? एक्ट्रेस है मुझे सबा कमर, बहुत अच्छी। अरे सबा कमर तो हर किसी को पसंद है यार, क्योंकि उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। मतलब मैं नहीं, मैं भी एक्टिंग की बात कर रहा हूं, तो इंजन बहुत अच्छा वो आपको बताऊंगा। देखा ये गया कि T20 वर्ल्ड कप में हमने इंडिया से हारने की जो एक रीत थी वो तोड़ दी है, आपको लगता है कि बड़े वर्ल्ड कप में यानी कि वनडे में भी ऐसी रीत हम तोड़ पाएंगे? बिल्कुल तोड़ पाएंगे। अच्छा। एक शुरुआत हो गई है 2019 के वर्ल्ड कप में, अब मुझे लगता है जो हालात हमारे होते थे ICC इवेंट में अब इंडियन टीम के हो गए। आपने एशिया कप में भी देखा, उससे पहले T20 वर्ल्ड कप में ये टीम ने कर दिखाया, इससे पहले ग्रेट प्लेयर बड़ी टीम है, उतनी बड़ी टीम है इंडियन टीम की। अब इंडियन टीम बड़ी है, हमारी इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन नाम बड़े हैं, नाम बड़े हैं, परफॉर्मेंस भी बड़े, बड़े प्लेयर्स है। हमारा सिर्फ एक बाबर ही पहला मैच खेलते हैं तो टैटू बना लेते हैं, कॉलर यूं ऊंचे कर लेते हैं, बड़े हीरो टाइप के रहते हैं ना, बॉलीवुड घुस गया मुझे लगता है उनके अंदर। देखिए वो शुरू से ही है। अच्छा, बॉलीवुड तो आपको पता है इस वक्त दुनिया में डोमिनेट कर रहा है। आपके अलावा भी देखा ही गया है कि टीम में बहुत जज्बाती खिलाड़ी और भी थे, गुस्सा उनको भी आता था, लेकिन फड्डे वड्डे जो है ना इंडियन प्लेयर्स के साथ आपके ज्यादा हुए हैं, क्यों?
वो काशी भाई मिसअंडरस्टैंडिंग है, ऑनेस्टली बताऊं। अच्छा, किसी के साथ नहीं थे, दोनों मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हम इकट्ठे बैठते रहे हैं, ईशान शर्मा भी और गौतम गंभीर। ये इनके साथ कोई पंगा लेना तो फिर थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाते हैं। मैंने सुना है कि विराट कोहली जो हैं वो सईद अजमल के बहुत बड़े फैन थे, और वो मैच के बाद सईद भाई के, क्योंकि उनकी झुकते झुकते बड़ी अच्छी थी, फैसलाबादी थे, तो उनके पास आके बैठा करते थे और बड़ी महफिलें लगती थी, क्या ये बात सही है? देखिए बिल्कुल सही है, और इवन शुएब भाई, हम लोग शुएब मलिक, मोहम्मद यूसुफ, पाकिस्तान में 2005 में टीम आई हुई थी, हम लोग रात को इकट्ठे एक रूम में बैठ के डिनर कर रहे होते थे, शुगर लगा रहे थे, और हमारे इन भाइयों को बड़ा पसंद करते हैं वो। मैं आपको बताऊँ, आप बड़े लकी हैं, बड़े खुशकिस्मत हैं आप, बताऊँ क्यों? निमरा मेरा आपसे सवाल करने लगी। सर इधर देखें, मैं ये है निमरा, मैं उधर जी, जिन्हें मच्छर लड़न का खतरा है। चले जी, बात बामुलाजा होशियार जी, कामी की खुशकिस्मती निमरा मेरा उनसे सवाल करेंगी। मेरा बहुत छोटा सा प्यारा सा एक सवाल है। प्यारा है वो हमें पता है कामी, बहुत प्यारा है। आपका सवाल प्यारा है या नहीं है इसका फैसला बाद में करेंगे, सवाल की। अच्छा कामी बोलो, कामरान तो कामी तो हम बोल सकते हैं। नहीं हम भी प्यार से बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना, प्यार से तो क्रिकेटर देख लो बुला सकते हैं। वैसे कह दो प्यार से। अच्छा आपने वसीम अकरम से लेके मोहम्मद हफीज तक की कैप्टनशिप में काम किया है, तो आपको इन सब में से कौन सा ऐसा कैप्टन था जो हारने पे ज्यादा बेइज्जती करता था या बोलते बहुत थे? सब कप्तान अपने टाइम पे जबरदस्त रहे, जो बेहतर लगा उन्होंने कैप्टनसी की है, लेकिन इंजी भाई के कैप्टनसी में मैंने कोई 3-4 साल खेला हूं। नहीं मतलब गुस्से वाला कौन था ज्यादा? गुस्से वाले इंजी भाई से कम कोई भी नहीं है, उसके बाद यूनुस भाई है। ओ तो नाल दे बंदे दी रोटी भी आप खा जांदे सी, मोटा आउट नहीं कीता। उनके साथ मैंने बहुत कुछ सीखा भी है, पूरी टीम भी जल रही है और बाहर जाके भी हम अरे इंजमामुल हक वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन वी एवर प्रोड्यूस्ड, बहुत बड़ी कामयाबी होनी चाहिए। आईसीसी हम लोग इवेंट जीते हैं ना, तो वो यूनुस भाई की कैप्टनसी में जीते हैं, वो भी बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, वो पता नहीं चलता कि कब क्या हो जाएगा, कैसा उनका मूड हो जाएगा, किसी को पता नहीं है। लेकिन ये है कि उनकी कैप्टनसी में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट पाकिस्तान। अच्छा ये पटियाला हाउस एक मूवी थी जिसमें आपकी गेस्ट अपीयरेंस थी, तो उसमें क्या शर्त थी कि कामरान को ही रखा जाएगा गेस्ट अपीयरेंस पर? पैसे वैसे मिले थे कोई ना? वैसे तो हम पानी भी नहीं पीते। बस उनकी डिमांड थी और बस कर ली। मुफ्त तो हम यूं भी नहीं करते, हम तो यूं ही पैसे लेते हैं। वो उस टाइम पता नहीं कितने थे लेकिन ले लिए थे। डॉलर्स में थे या इंडियंस में थे? डेफिनेटली डॉलर्स में थे। कैरियर का कोई ऐसा मैच जिसको हारने के बाद कामरान अकमल वाकई वॉशरूम गया हो और धाड़े मार मार के रोया हो? 2010 का वर्ल्ड कप T20 वेस्ट इंडीज में, और जिन हालात से हम लोगों ने क्वालिफाई किया रन रेट पे, और ऑस्ट्रेलिया से 195 हम लोगों ने कर दिया था। सेमीफाइनल जो आ रहे हैं, सेमीफाइनल आ रहे हैं, तीन छक्के पड़े सईद भाई को, लेकिन उस टाइम वो सईद का कसूर नहीं है, वो मैच लास्ट ओवर तक जाना नहीं चाहिए। हाँ जी जाना ही नहीं चाहिए था, वो हम लोगों को पहले ही खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन वो बस वो मैच गया तो वो बड़ा रोई। डेफिनेटली वो हर चीज ही ऐसी है काशिफ साहब, ने ऊपर से सेमीफाइनल हो, बैक टू बैक दो वर्ल्ड कप फाइनल खेलना, जीत भी सकते थे, इंग्लैंड के साथ फाइनल होना था तो जीत भी सकते थे, तो अच्छी, लेकिन यह है कि टीम लड़ी है और छोटी छोटी गलतियां जो होती है बड़ा वो वन साइडेड ओवर होगा, मतलब 18 रन सईद अजमल को पड़ जाना बहुत रेयर था। देखो बहुत रेयर था, उतना बड़ा बैट्समैन भी था, खेल रहा था हाई हंसी। मेरी टीम भी जब भी हारती थी तुसी काले हो जाते थे। मेरी टीम भी जब भी हारती थी आप मजीद काले हो जाते थे। नहीं नहीं मैं वॉशरूम में जाके बहुत रोता था यार। एक वैसे कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, वो भाई जिन ग्राउंड्स में आप खेलते थे या खेलते हैं वहाँ तो वॉशरूम होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, वहाँ तो ओपन एयर होती है। मैं दो मंजियां खड़ी करके वॉशरूम समझ के उधर रोने लगा। अच्छा कभी ऐसा हुआ कि आप दो मंजी खड़ी करके वॉशरूम में? दो मंजी